विशेषज्ञों का काम है सोचना और फिर सोचकर सरकार को सलाह देना, और सरकार का काम है कि वो समझ बूझ कर कदम आगे बढ़ाए और उस पर अमल करे। अब एक थिंकिंग चलने लगी है और थिंकरों का कहना है कि अब परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। इसका कारण विशेषज्ञ रूस यूक्रेन युद्ध और ताइवान पर जंग जैसे हालात को बता रहे। उनका कहना है कि लग रहा है कि परमाणु युद्ध होकर रहेगा। रूस लगातार धमकी दे रहा है कि हमारे संयम का इम्तिहान न लिया जाए। उधर ताइवान और जापान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच परमाणु युद्ध का खतरा तेजी से बढ़ा। अमेरिका ने चीन के खतरे से निपटने के लिए अपने नौसैनिक अड्डे गुआम से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक महाविनाशक हथियारों की तैनाती को तेज कर दिया। इस बीच अब जानकार कह रहे हैं कि शांति की स्थापना के लिए अहिंसा के समर्थक भारत को 24 साल बाद जल्द ही धरती पर प्रलय लाने में सक्षम थर्मोन्यूक्लियर महाबम का फिर से परीक्षण करना ही होगा। यही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि भारत इस परमाणु बम का परीक्षण करता है तो अमेरिका को समझदारी दिखाते हुए नई दिल्ली पर प्रतिबंध लगाने से बचना होगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या होगा और क्या अमेरिका भारत की मदद करेगा। अमेरिका के चर्चित थिंक टैंक कार्नेजी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के सीनियर फेलो एशले जे टेलिस ने हंगामा मचा दिया। एशले जे टेलिस ने कहा है कि आने वाले समय में एशिया की परमाणु हथियारों पर निर्भरता बढ़ने जा रही है। साल 1998 में भारत ने थर्मोन्यूक्लियर बम के परीक्षण की कोशिश की थी, लेकिन ये सफल नहीं रहा था। वो कहते हैं कि अगर भारत का अपने शत्रुओं चीन और पाकिस्तान के साथ एक स्थिर रिश्ता बना रहता है तो उसका काम सामान्य परमाणु बम से चल जाएगा, लेकिन अगर चीन के साथ दुश्मनी ज्यादा बढ़ती है तो भारत को एक दिन बाध्य होकर थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण करना ही होगा। भारत का ये परीक्षण अब इस बात पर निर्भर करेगा कि नई दिल्ली और बीजिंग के बीच रिश्ते किस तरह से भविष्य में आगे बढ़ते हैं। एशले जे टेलिस ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत में ये भी कहा कि मेरा मानना है कि भविष्य में भारत थर्मोन्यूक्लियर बम बनाने के बारे में एक बार फिर से विचार कर सकता है। इससे चीन के खिलाफ भारत को एक महाविनाशक परमाणु प्रतिरोधक क्षमता हासिल हो जाएगी। भारत जब अपने इस थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण करेगा तो इसका असर अमेरिका के साथ उसके रिश्ते पर पड़ना लाजमी है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका भारत नागरिक परमाणु डील, भारत का वैश्विक परमाणु व्यवस्था से जुड़ाव, खासकर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से जुड़ाव इस आधार पर हुआ था कि अब भारत भविष्य में कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। एशले की माने तो अगर चीन अपने परमाणु हथियारों की संख्या को बहुत अधिक बढ़ाता है तो इससे भारत की मुसीबत काफी बढ़ जाएगी। आपको जानकारी होगी कि पिछले दिनों खुलासा हुआ था कि चीन साल 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाने की योजना है। यही नहीं, चीन देश के रेगिस्तानी इलाकों में सैकड़ों की तादाद में परमाणु मिसाइलों के लिए साइलो बना रहा है ताकि उन्हें छिपाया जा सके। एशले जे टेलिस आगे कहते हैं कि चीन के इसी खतरे को देखते हुए भारत एक दिन बाध्य हो जाएगा कि वो थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण करे। जब भारत ये परीक्षण करता है तो अमेरिका को नई दिल्ली को दंडित करने से बचना चाहिए। मैं यहाँ तक कहना चाहूंगा कि अमेरिका भारत की मदद करे ताकि किसी परमाणु हमले से बचने के लिए एक कारगर प्रतिरोधक क्षमता को हासिल किया जा सके। इसके लिए अमेरिका भारत को परमाणु सबमरीन को बनाने में मदद कर सकता है। ऐसा वो फ्रांस के जरिए भारत की मदद करके कर सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि परमाणु बम हो या थर्मोन्यूक्लियर बम, दोनों ही धरती पर महाविनाश लाने वाले हथियार माने जाते हैं। लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक इनमें एक प्रमुख अंतर है। परमाणु हथियार कम क्षमता की ताकत पैदा करते हैं जो कुछ किलोटन तक होता है, वही थर्मोन्यूक्लियर बम सैकड़ों किलोटन की क्षमता की तबाही लाते हैं। जापान में जिन दो परमाणु बमों का इस्तेमाल किया गया था उनकी ताकत 15 से 20 किलोटन थी। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों ही जापान के छोटे से शहर थे। भारत को चीन के शंघाई और बीजिंग जैसे महानगरों को तबाह करने के लिए थर्मोन्यूक्लियर बम की ही जरूरत पड़ेगी। रक्षा मामलों के जानकार और विशेषज्ञों दोनों का मानना है कि थर्मोन्यूक्लियर बम भले ही संख्या में कम हो लेकिन उसका प्रतिरोधक क्षमता के रूप में असर बहुत ज्यादा होता है। उनका ये भी कहना है कि भारत एक ऐसी परमाणु ताकत है जो ये बनना नहीं चाहता था। भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव है जो परमाणु हथियारों से लैस है।
भारत का परमाणु बम केवल प्रतिरोधक क्षमता के लिए है। भारत ने साल 1998 में पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया। भारत के पास अभी 165 के आसपास परमाणु बम है। वहीं चीन के परमाणु बमों की संख्या 350 को पार कर रही है। चीन अपने परमाणु हथियारों को लगातार आधुनिक बना रहा है। भारत परमाणु बम के इस्तेमाल के लिए पृथ्वी अग्नि सीरीज की मिसाइलों, फाइटर जेट और पनडुब्बियों पर निर्भर है। भारत ने परमाणु बम दागने में सक्षम परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत बनाई है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों अमेरिकी थिंकर ये बात कह रहे हैं और उसका कारण क्या है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या अमेरिका मदद करता है या नहीं। लेकिन एशली की बात सही है और ये भी सही है कि चीन को पीछे रखना है तो चीन के बराबर ताकत हो या उससे अधिक, तभी चीन को रोका जा सकता है। और इस बात पर एशली की बात सही है।